सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं इन नवरात्रियों में हम जो भी काम करते हैं वह सिद्ध हो जाता है। जैसे आप अपने गुरु मंत्र का जाप रोज तो करते ही थे, पर नवरात्रियों में ज्यादा करो। नवरात्रियों में की गई पूजा, की गई उपासना, किया गया कुछ भी सिद्ध होता है, चाहे ये नवरात्रि हो या चैत्र की नवरात्रि हो। तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी सिद्धि पाना हो, जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है ना, वो नवरात्रियों में अनुष्ठान करता है। नवरात्रियों में किया गया कोई भी अनुष्ठान सिद्धि को देने वाला है। इसलिए जैसे आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप करें इन नवरात्रियों में, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक जाप करना है, अधिक से अधिक यहाँ वहाँ से मन हटा करके इन 9 दिनों में अपने मन को केंद्रित करके भगवान की अधिक से अधिक आराधना करनी है। और इन 9 दिनों में हमें अपनी बैटरी इतनी चार्ज कर लेनी है पॉजिटिविटी से, भक्ति से, कि 6 महीने तक चल जाए। इसके बाद फिर अगली नवरात्रि में चार्ज हो जाएगी। तो ये कुछ विशेष त्यौहार इसलिए होते हैं कि आपको साल भर समय नहीं मिलता, महीने भर समय नहीं मिलता, तो समय निकाल के इन दिनों में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए। ये 9 दिन सिद्धि देने वाले दिन हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी, जो भी आप करते हैं। आप राम जी के भक्त हैं तो राम नाम जप लीजिए, कृष्ण के भक्त हैं कृष्ण नाम जप लीजिए, शिव के भक्त हैं शिव नाम जप लीजिए, माता रानी के भक्त हैं माता रानी का नाम जो जपेंगे, जो करेंगे। आप रामचरितमानस का पाठ करें या गीता का पाठ करें या अन्य ग्रंथों का पाठ करें, हर चीज़ सिद्ध होती है। आपकी जो आस्था है जिसमें वो करिए, पर करिए। ये नवरात्रि विशेष होती हैं, विशेष पर्व होता है। इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? अपने घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, इसलिए अपने घर में आज के दिन से एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, माँ भगवती को प्रणाम करना चाहिए। आपके घर में जो माता रानी की तस्वीर है उन्हें नमस्कार करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ, आप नारायण के संग आकर के सदा इस घर में विराजें। भगवान शिव के संग पार्वती अकेली नहीं, शिव के संग पार्वती आएँ, लक्ष्मी जी अकेली नहीं, नारायण के संग लक्ष्मी जी आएँ। हम लोग अकेले की पूजा नहीं करते, युगल उपासना करते हैं। युगल जानते हैं, जोड़ी, सीताराम राधेश्याम गौरी शंकर। तो माँ आप युगल विराजिए हमारे यहाँ, सदा के लिए विराजिए, हमें अपना पुत्र मानकर, हमें अपना दास मानकर के विराजिएगा। क्योंकि किसी न किसी रूप में हमें शक्ति की आवश्यकता होती ही है, इसलिए हम सभी को बारंबार आज घर में दीपक जला करके माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। और माँ ऐसी आओ कि फिर कभी ना जाओ, हमारी बुद्धि को आप ही निर्मल करो, हमारी शक्ति को आप ही बढ़ाओ, हमारी वाणी को आप ही मधुर करो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आप लक्ष्मी बन कर आओ, आप सरस्वती बन कर आओ, आप शक्ति दुर्गा बन करके आओ। दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? कितने? 8। 8 हाथ क्यों हैं दुर्गा मैया के? 4 लोगों को खड़ा कर लीजिए तो 8 हाथ हो जाएंगे। मानो दुर्गा मैया कहती, ये नवरात्रि हमें बहुत कुछ सिखाती है, सीखो तो। नवरात्रि ये सिखाती है कि सनातनियों तुम संगठित रहो। हम हिंदू लोग 4 भागों में बटे हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये 4 टुकड़े हैं सनातन धर्म में, 4 भागों में डिवाइड हैं लोग। माता रानी कहती है तुम चारों एक हो जाओगे जिस दिन, तो तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8, और जिस दिन तुम इकट्ठे हो गए तो 8 हाथ की ताकत से इतनी ताकत तुम हासिल कर लोगे कि शेर को भी तुम अपने वश में करके शेर की सवारी कर लोगे। दुर्गा जी शेर की सवारी करती हैं इसलिए कि संगठन में ये ताकत है कि आप शेर को भी अपने अधीन कर सकते हैं, फिर ये दुनिया के लोग क्या। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों को संगठित रहना चाहिए, हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। अच्छा बताओ, ब्राह्मण के पिता कौन है? मूल में फर्स्ट ब्राह्मण के पिता, ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ है? ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान, भगवान श्रीमन नारायण कहो या भगवान ब्रह्मा जी कहो,
भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुए हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणोस्य मुखमासी, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, क्षत्रिय हुआ भुजाओं से, वैश्य हुआ है जंघाओं से और शूद्र हुआ है चरणों से। तो बताओ चारों के पिता एक हो गए, एक हो गए, बोलो हाँ। हम चारों के पिता जब एक हैं तो फिर भेद क्यों है, हम कौन छोटा बड़ा है, सब भाई भाई की तरह रहो मिलजुल करके। बड़ा व्यक्ति अपने कर्मों से होता है, आपके कर्म अच्छे हैं, आप श्रेष्ठ विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, तो आप किसी, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपकी विचारधारा रैदास जैसी हो तो रैदास भक्त का भी सम्मान करता है, आदर करता है, उनके भी चरणों का प्रक्षालन करके, चरण धो करके लोग चरण अमृत लेते हैं, ऐसे महापुरुषों का। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, आपका भाव कैसा है। व्यक्ति जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति जन्म से भी बड़ा है और कर्म से भी बड़ा हो सकता है। यदि जन्म और कर्म दोनों से श्रेष्ठ है तो क्या बात है, लेकिन व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ है पर कर्म से श्रेष्ठ नहीं है तो वह समाज में सम्मान नहीं पाएगा। सम्मान वही पाता है जो कर्म से श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप किसी भी जात से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। क्यों जी, क्या श्रेष्ठ होनी चाहिए? कर्म। ब्राह्मण होके भी कर्म से हीन हो गया तो वो किस काम का, क्षत्रिय होकर भी वो कर्म से हीन हो गया तो किस काम का, वैश्य होकर भी कर्म से हीन हो गया, शूद्र होकर भी कर्म से हीन। इसलिए आप जहाँ हैं वहाँ रह करके कर्म युक्त बनो, ऐसा कर्म करो कि समाज आपके जैसा पुत्र चाहे कि ऐसा पुत्र हमारा भी हो। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। इसलिए कर्मों की पूजा होती है, अच्छे कर्म करेंगे तो शबरी ने अच्छे कर्म किए तो देखो आज समाज पूजता है शबरी को भी, हाँ या ना। राम की कथा बिना शबरी के पूरी नहीं होती, राम कथा में शबरी का नाम ना आए तो राम कथा पूरी हो ही नहीं सकती, हो सकती है? राम कथा में केवट की कथा ना हो तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती, बोलो हो सकती है? राम कथा में यदि निषाद की कथा ना आए तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती। निषाद, केवट, शबरी कौन थे? जंगल में रहने वाले भील निषाद थे, जिसे आज समाज छोटा मानती है लेकिन राम जी ने गले से लगाया। जब मेरे राम ने कोई छुआ छूत नहीं रखा, जब राम ने कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रखा तो हम कौन होते हैं छुआ छूत और ऊंच नीच का भाव रखने वाले। इसलिए हमें सबसे भाई भाई की तरह मिलजुल के रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रह करके अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, यही हमारी दुर्गा माँ समझा रही है। तुम चारों संगठित हो जाओ। आज हमारे देश में यही तो संगठन नहीं है, ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग, क्यों सही है? कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता, कोई कोई कहता, कोई कोई, सभी श्रेष्ठ हैं, अज्ञान बस झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में झगड़ा किस बात का है? अज्ञान बस। झगड़े का मूल कारण है अज्ञान। ये अज्ञान मिट जाए तो कोई विवाद ही नहीं, पर कब मिटेगा ये अज्ञान? अनादि समय से अज्ञान बना हुआ है, इसलिए आप मिटाइएगा और प्यार मोहब्बत से गरीबों के पास जा करके, कोई छोटे बड़े का भेद ना करके सबकी सेवा करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो। मैं तो सबके यहाँ जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों में भी जाता हूँ, सबको प्यार करने का, करने के लिए बनाया है ईश्वर ने ये हाथ जो दिए हैं ना, सबकी सेवा के लिए दिए हैं। जात पात देखकर सेवा नहीं होती, सेवा तो सबकी होती है। जो आए राह में आए, जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमारे धर्म में यही सिखाया गया है कि आप सब तक जाएं और सबकी सेवा करें।
ये दास अनिरुद्ध, जो मेरे से बनता है मैं सेवा करता हूँ, सबकी करता हूँ, चाहे ब्राह्मण हो उनकी भी करता हूँ, क्षत्रिय हैं उनका भी, उनके भी सम्मान, उनका भी, उनकी भी सेवा जो बनती है हमसे, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो जहाँ जिस लायक है, ये दास अनिरुद्ध सबको समान भाव से, सबको गले लगाकर सबकी सेवा करता है। आपको भी करनी चाहिए, भेद मिटा करके। कोई अछूत नहीं होता, क्यों जी? कोई अछूत होता है? लोग अछूत मानते हैं। मैं तो सभी माओं के पांव दबाता हूँ। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में तो सभी माताएं, ब्राह्मण माता भी हैं, यहाँ क्षत्रिय माता भी हैं जो क्षत्रिय हैं, वैश्य माताएं भी हैं जो वैश्य गोत्रीय हैं, और शूद्र माता भी हैं। हम सबके चरण दबाते हैं। आज तक हमने किसी भी माँ से उनकी जात नहीं पूछी कि माँ आपकी जात क्या है। हमने तो सबके चरण दबाए हैं, सबकी सेवा की है। हमने तो ये भेद मिटाया है, ना जाने किन लोगों ने ये भेद पैदा किया है। इसलिए आज नवरात्रि के दिन आप भी संकल्प लें कि आप भी सबकी सेवा करेंगे, और आप भी सबकी सेवा करके सबको प्रसन्न करेंगे। भगवान आप सबको सदा सुखी रखें और सदा आप लोग प्रसन्न रहें। पुनः फिर से आपको नवरात्रि की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा माँ भगवती की कृपा से भरा रहे, धन धान्य से आपका जीवन परिपूर्ण रहे।